हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मतलब एक लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क है, उसको मैं खोल के दूसरे लैपटॉप में लगाने वाला हूँ, या फिर आप कहो कि आप एक नया हार्ड ड्राइव जो है लाओ और उसको जो है कैसे लगाना है आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में आप कैसे लगाओगे, वो सारा कुछ अभी जो है आपको पता चल जाएगा गाइस। तो इस तरह के वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी जो है आप आई कार्ड पर एक फ्लैश हो रहा है देख सकते हो ना, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आपके सिस्टम में जो है आपके पीसी में जो है NVMe SSD कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो सारा कुछ आप उस वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एक हार्ड डिस्क एक लैपटॉप में से खोल के दूसरे लैपटॉप में लगा सकते हो, या फिर नया हो तो वही एक ही बात है कि आप नया खरीद के लाए हो तो उसको जो है कैसे अपने लैपटॉप पे लगाओगे गाइस। और गाइस, अगर आपका लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आए, मतलब हीटिंग का इशू आए, मतलब आपका फ़ैन जो सिस्टम का कूलिंग फ़ैन है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो सिस्टम फ़ैन को आप कैसे चेंज कर सकते हो या फिर रिपेयर कर सकते हो, वो सारा कुछ भी मैंने दिखाया हुआ है एक वीडियो, वो भी है आई कार्ड पर अभी फ्लैश हो रहा है। वो इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देखना, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे आप अपना हार्ड ड्राइव जो है चेंज कर सकते हो, मतलब एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में एक्सचेंज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट जम इनटू द वीडियो। हे गाइस, तो यहाँ देख सकते हो साइड बाय साइड दो लैपटॉप्स है, ये है डेल का और ये है लेनोवो का। तो इसमें जो है ना प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे मेरे को एक हार्ड ड्राइव चाहिए, इसमें जो हार्ड ड्राइव है वो 250 GB का है, तो इसमें जो छोटा पड़ रहा है, तो इसमें जो है 500 GB का एक हार्ड ड्राइव है, तो इसमें से खोल के यहाँ पे लगाऊंगा मैं। तो ये जो है आपको ये नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो इतने मतलब इतने के लिए जो है आप अगर दुकान में जाओगे तो वो दुकान वाले को पैसा देना पड़ेगा गाइस। तो इतना काम तो यार खुद घर में करना चाहिए अगर आपके पास ये सारे चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप है, समझो आप एक नए हार्ड ड्राइव खरीद के लाए हो और उसे जो है लगाना चाहते, तो उसके लिए भी आपको दुकान में जाना पड़ेगा, तो पैसे देना पड़ेगा वगैरह। तो इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए गाइस, कुछ तो आपके सामने ही होगा गाइस। एक बात बता दूं, अगर आपको अच्छा लगे तो एंड में लाइक कर देना, और यार हमारा चैनल अच्छा लगे तो इस टाइप का वीडियो हर रोज़ पड़ता है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा के ऑल प्रेस कर लेना गाइस। तो उससे पहले जो है इसको खोल के इसमें से हम हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं गाइस। एक बात आप याद रखना, जो है ना लैपटॉप को खोलने में ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड इसे खोलना है, और इसको जो है हार्ड ड्राइव निकाल कोई भी चेंज कर सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा है खोलना। तो एक जो है आपको चाहिए ऐसा टाइप का, मतलब एक नुकीला चीज़, ताकि आप अंदर घुसा के मतलब लॉक जो है उसको खोल सको। और एक चाहिए आपको ये छोटा वाला स्क्रू टाइप का, स्क्रू खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर। तो चलो इसको खोलते हैं, उल्टा करते हैं और देखते हैं। मेरे वाले केस में यहाँ पे मेरा हार्ड ड्राइव रह गया है, तो मेरे को जो है ज़्यादा कुछ परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी, मतलब ये पूरा जो है खोलना नहीं पड़ेगा, मेरे को खाली इतना ही खोलना है, दैट्स इट। तो पहले सबसे पहले हमें बैटरी जो है खोल लेना है। तो गाइस, किसी को मतलब किसी भी लैपटॉप का कोई भी पार्ट खोलने से पहले सबसे पहले आपको बैटरी को रिमूव करना है गाइस, ये बात आप याद रखना, क्योंकि बैटरी में कनेक्शन रहता है ना, तो अगर इसमें चार्ज होगा तो दिक्कतें आ सकती है, तो इसीलिए जो है सेफ्टी के साथ हमें जाना है। तो बैटरी सबसे पहले हमें रिमूव कर देना है और उसके बाद जो है हम इसका हार्ड ड्राइव खोलेंगे गाइस। तो ये सारा एक के बाद एक स्क्रू हमें खोल लेना है। अब सारा स्क्रू खुल चुका है, तो अब इसको निकाल देते हैं हम। अभी निकाल दिए हैं इसको, तो देखो ये रहा मेरा हार्ड ड्राइव। तो अब जो है इसको हमें खोलना है, तो कैसे खोलना है यहाँ पे देख सकते हो, एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू है यहाँ पे, एक स्क्रू है और यहाँ पे, एक है और यहाँ पे, चार स्क्रू है। तो इसमें भी चार स्क्रू है, तो इसको भी हमें खोल लेना है गाइस। चारों स्क्रू अभी खुल चुका है, अभी जो है हमें इसको निकालना है। तो हार्ड ड्राइव ऐसे आराम से चला आएगा, तो आपको थोड़ा ऊपर उठा के
यहाँ पे ऐसे खींचना पड़ेगा गाइस, क्योंकि वहाँ पे जो है ना लगा हुआ रहता है, इसीलिए देखो गाइस यहाँ पे जो है ना इसका पिन है, तो ये जो है ना इसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, उसी तरह से आपको आराम से खोल लेना है। देखो बहुत दिन हो गए ना, इसीलिए इसके अंदर जो है धूल मिट्टी वगैरह घुस गया है, तो इसको अभी थोड़ा हमें साफ़ करना है, साफ़ कर लेना है। तो ये तो हमारा निकल चुका है, अभी जो है हम इसको साइड में रखेंगे और दूसरे वाले लैपटॉप में इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको साइड में रखते हैं गाइस। अभी देखो गाइस ये जो है केस के अंदर है, तो थोड़ा केस निकाल के इसको थोड़ा साफ़ सफाई कर देता हूँ। केस खोलने के लिए देखो यहाँ पे दो स्क्रू, यहाँ पे दो स्क्रू है, तो आपको जो है इन चारों स्क्रू को खोलना है केस जो है साफ़ करने के लिए। तो चारों स्क्रू को खोल लिया, अभी जो है देखो अंदर थोड़ा धूल मिट्टी वगैरह बहुत सारा कुछ पड़ गया है, तो इसको जो है हम साफ साफ कर देंगे, थोड़ा पूछ लेंगे इसको कपड़े। तो अब जो है सब कुछ यहाँ पे देखो खुल के ये तो रेडी हो गया, अभी जो है हमें दूसरा लैपटॉप लाने की बारी है, और स्क्रू को सारे स्क्रू वगैरह सब कुछ जो है हमें बहुत ही अच्छी तरह से रख लेना है, क्योंकि ये अगर खो गए ना तो यहाँ पर मिलेंगे नहीं अच्छी तरह से। इसको रख देना है और अभी जो है हम दूसरा लैपटॉप खोलते हैं गाइस। ये रहा गाइस हमारा दूसरा लैपटॉप, तो इसमें भी सेम वही केस है, इसको भी पूरा का पूरा नहीं खोलना पड़ेगा। हमारा बैटरी है, सबसे पहले हमें जो है बैटरी रिमूव करना है, ये आपको याद रखना है गाइस। देखो इस तरह से जो है हमें लॉक खोल के बैटरी को अलग कर देना है। तो बैटरी खोलने के बाद गाइस यहाँ पे है हमारा हार्ड ड्राइव, मुझे लगता है यहीं पे है, तो इसको हमें खोल लेना है। ये रहा गाइस हमारा हार्ड ड्राइव, तो इसको हम निकाल देंगे और इसको निकाल के है ना इस वाले को यहाँ पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है इस वाले केस में कोई भी मतलब हार्ड ड्राइव का कोई भी केस यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसको जो है हम आराम से पीछे पीछे करके इसको निकाल सकते हैं। देखो पीछे कर दिया और इसको उठा देंगे, यहाँ होल्ड करने के लिए थोड़ा डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर दिया गया है। ये मैं पहली बार खोल रहा हूँ, इसीलिए मेरे को जो है पता नहीं था यहाँ पर क्या था। तो यहाँ पर जो है कोई कवर नहीं है, हार्ड ड्राइव का कोई कवर नहीं है, तो हम जो है इसमें भी हम कोई कवर ववर नहीं लगाएंगे, इस वाले कवर को हम दूसरे वाले इस वाले लैपटॉप में इंस्टॉल कर देंगे। तो इसको जो है हम इसी तरह से यहीं पे देखो इसका पिन जो है ना यहाँ पे है, तो उस तरह से हम यहाँ से इसको इस तरह से घुसाएंगे। देखो गाइस देखो यहाँ पे देख सकते हो ना, उठा के दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो है ना इसका पिन है ये जगह, तो इसको जो है अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये लग चुका है गाइस, पिन जो है सेट हो चुका है, दैट सेट ये लग चुका है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसमें इस वाले केस में बहुत ज़्यादा इजी है। तो अभी जो है इसको लगा देना है हमें। तो इसमें जो है विंडोज़ 8 इंस्टॉल था, अभी जो है ये जो डाल रहा हूँ इसमें इंस्टॉल है कि नहीं मेरे को पता भी नहीं है, तो इसीलिए जो है मैं अभी ऑन करके देखूँगा कि इसमें जो है इंस्टॉल है कि नहीं। तो गाइस अब जो है देख सकते हो हार्ड ड्राइव तो लगा दिया मैंने, अब जो है हम इसको बैटरी को लगा देंगे, और बैटरी को लगाने के बाद हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि इसमें जो है वॉइस है कि नहीं। अगर वॉइस नहीं होगा ना तो हम डालने के बारे में बताएंगे कि किस टाइप का हम वॉइस डाल सकते हैं गाइस। तो ये जो है पूरा का पूरा सेट है, पूरा सेट है अभी, तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो गाइस इसको मैंने ऑन किया है, यहाँ पे देख सकते हो लाइट जो है ब्लिंक हो रहा, मतलब लाइट जो जल रहा है, तो ये जो है ऑन हो गया है, और जो है यहाँ से जो हवा भी आ रही है। देखो गाइस लिनोवो आ गया है, इंटेल आ गया है,
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तो पूरा का पूरा वॉच करना गाइस। तो इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम गाइस।